नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज दोबारा आ गया हूं मैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर। ये अपडेट निकल कर आ रही है सीआरपीएफ से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो, जिसके बारे में आपको ज्यादा यूट्यूब पर भी वीडियोस नहीं मिलेंगे, वहां से मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, और हो सकता है कि जितना हमने यहाँ वहां से प्रोटेस्ट किया और वीडियोस के थ्रू हमने कहा, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त पावर दिखाई है। सो अब आपको भी पता है कि पूरे इंडिया में कोई भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ था शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट में। सो रिजल्ट कहाँ से आया? रिजल्ट यहाँ से आया कि सीआरपीएफ वालों ने जो रिजल्ट निकाला था उसको मॉडिफाई कर दिया। जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया था उसको चेंज कर दिया गया। अब वो चेंज इस तरह से किया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, साथ ही साथ में आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, क्या इसके बाद की प्रोसेस है ये बताने वाला हूँ, और एक और एंड में न्यूज भी देने वाला हूं आप लोगों को। सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ है, कहां कहां से क्या क्या अपडेट्स निकल के आ रही है। ठीक है, सो गेट रेडी, आई एम शेयरिंग यू द करंट अपडेट्स विथ यू गाइज। ठीक है, तो ये रही आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीआरपीएफ की। ठीक है, देख लो recruitment.crpf.gov.in। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम पर आपको जितने भी पीडीएफ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये रहा आपके लिए इम्पोर्टेंट कोरिजेंडम रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो। कब की डेट है? 4 तारीख की। तो चलो इसको खोल लेते हैं, मैंने क्लिक कर दिया। देन क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ शॉर्ट हैंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो कॉल्ड फॉर पीएसटी मतलब फिजिकल टेस्ट, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डीएमई मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड आरएमई मतलब रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके लिए कौन से बच्चों की लिस्ट है ये भी हम खोल लेते हैं, ये भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, और इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो, तो ये भी एक लिस्ट है, इसको भी हम खोल लेते हैं। और एचसीएम के लिए हम नहीं खोलेंगे, जो एचसीएम है ऊपर आपको एचसीएम के लिए आप देख सकते हैं कि क्या है, हम सिर्फ स्टेनो की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक एक जो पीडीएफ खोला है इसको देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस कब का है, 4 जनवरी 2024, आज का ही निकल के आ रहा है वीडियो। आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में, ठीक है, और नीचे कमेंट करना है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। क्या है सब्जेक्ट, रिक्रूटमेंट टू फिल अप वैकेंसीज और बेस्ड ऑन अडेंडम अंडर रेफरेंस 1107 कैंडिडेट्स एज पर अपेंडिक्स ए। वो अपेंडिक्स क्या है नीचे आपको दिखेगा, इनक्लोज किया हुआ है इसके साथ में, इतने हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेज है, जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिजिकल टेस्ट, इसके लिए आपका जो प्रोसेस है उसमें इन्होंने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर दिया है। देख लो, जो बोल रहे थे कि भाई एएसआई बहुत ही बेकार एग्जामिनेशन लेता है, इन्होंने अपने जो भी आपका प्रोटेस्ट था ये एक रंग लाया, जो भी आप लोगों ने वीडियो शेयर किए थे अथॉरिटीज तक ये बात पहुंच गई है, उनको भी ये रिक्रूटमेंट फिनिश करना था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर वैकेंसी को फिनिश किया है, उन्होंने अपनी बात रख दी है। और दोबारा याद रखना, ये वैकेंसी दोबारा आने वाली है अगले साल, अब आप कितने तैयार हो वो आप पर डिपेंड करता है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग, क्या क्या लिखा है इसको हम पढ़ते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए क्या लेकर जाना है, आपका सीबीटी या स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो भी स्किल टेस्ट या सीबीटी के लिए आप गए थे उसका एडमिट कार्ड लेकर जाना है, फोटो लेकर जानी है, और ताकि आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके, और इसके साथ में जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ्स हैं सब कुछ लेकर जाना है, 10th का 12th का ग्रेजुएशन का इसका उसका सब कुछ लेकर जाओ, सबका दो दो तीन तीन कॉपी भी लेकर जाना है। ठीक है, और आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कैसे क्या होगा उसके लिए मैं कुछ वीडियोस आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है, ये रही आपकी पहली नोटिस, अब सेकंड नोटिस की बात करते हैं, तो ये है आपके कैंडिडेट्स की लिस्ट। ठीक है, अब इसमें आपको ढूंढना है आपका नाम, अब मैं जैसे हमारे एक स्टूडेंट का नाम ढूंढ के आपको दिखा देता हूं, ये रहे हमारी स्टूडेंट रितु राजपूत। ठीक है, ये इनका रोल नंबर है, ये इनका सिलेक्शन हो गया है, इनका सेंटर आया है दिल्ली में, इनको जाना है स्किल टेस्ट देने, एमपी में इनका शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट हुआ था, अब इनका मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी होने वाला है दिल्ली में। तो ये है हमारे एक स्टूडेंट जिन्होंने हमसे शॉर्ट हैंड सीखा था, हमारे सॉफ्टवेयर का यूज किया था, एंड उनकी मिस्टेक्स बहुत कम थी। तो सर एग्जैक्टली मिस्टेक का क्राइटेरिया था क्या, आइए हम इसकी बात करते हैं। तो ये है आपके लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो इन्होंने नया अडेंडम, जो नया मॉडिफिकेशन है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सिंस नो कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द स्किल टेस्ट, किसमें शॉर्ट हैंड वाले स्किल टेस्ट में कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा है कि
इन्होंने जो नॉर्म से उसको मॉडिफाई कर दिया है। कैसे मॉडिफाई किया है, पहले कहा था कि सिर्फ 40 मिस्टेक अलाउड है, मतलब 5% मिस्टेक अलाउड थी 800 वर्ड्स में से। ठीक है, देख लो 800 वर्ड में सिर्फ 5% मिस्टेक, मतलब 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए थी, ये इन्होंने पहले कहा था। अब इन्होंने इसको चेंज करके क्या कह दिया, इन्होंने कहा कैंडिडेट्स गेटिंग 40% मार्क्स इन द स्किल टेस्ट आर कंसिडर्ड क्वालिफाइड। 95% क्राइटेरिया था पास होने का, और अब इन्होंने उसको 60% से भी ज्यादा गिरा दिया है। मतलब सिर्फ 40% से ऊपर अगर आपका स्कोर है, मतलब आपका अगर 60% मैटर अगर आपका गलत भी है तब भी आपको इन्होंने क्वालिफाई किया है। क्यों? क्योंकि भाई कई सारे बच्चे मेडिकल में भी बाहर निकलेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर निकलेंगे, फिजिकल में बहुत बच्चे बाहर निकलेंगे, तो इसीलिए वो कुछ बच्चे तो चाहिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत बढ़िया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, आपका हाइट वेट जो है बीएमआई सही होनी चाहिए, आपका जो हाइट है, जो चेस्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आप एक बार कोई डिटेल मेडिकल वाला वीडियो भी जरूर देखकर जाइएगा। अगर आपके वेट में ऊपर नीचे है तो टेंशन मत लो, 10 दिन का आपके पास टाइम है, 10-12 दिन है, आराम से अपने वेट्स को मैनेज कर लो, ऊपर नीचे खाना पीना खा के, जैसे भी जो है, हाइट को तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, बाकी जो भी चीजें हैं गेट देम करेक्टेड। कोशिश करना कि री मेडिकल ना मिले, आपका पहली बार में ही आप बाहर निकल जाओ, ठीक है, आपका कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो कई घरों में आज खुशियां की लहर दौड़ रही होंगी, हमारे खुद के स्टूडेंट को मैंने खुद कॉल करके विश किया है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उसी तरह से मैं चाहता हूं कि अगले साल आप लोग भी इसी तरह से अपनी गुड न्यूज लेकर आए हमारे पास में कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि सीआरपीएफ में जैसा आप जानते हैं स्टेनो स्कूल में अभी ऑनलाइन हम आए हैं, ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सिखाना हमने अभी स्टार्ट किया, इसके पहले हम ऑफलाइन सिखाया करते थे। सो अब हमारे यहाँ से भी सिलेक्शन आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, बेसिक शॉर्ट हैंड, सो मेक श्योर आप बेसिक शॉर्ट हैंड की बैच में एनरोल कर लें, क्योंकि 2024 में भी सीआरपीएफ की वैकेंसी आएगी, एसएसबी की वैकेंसी आएगी, जितने भी डिफेंस हैं सब में वैकेंसीज आने वाली है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बस आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए और आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए और बढ़िया एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नीचे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी सब लोग बता दीजिए किस किस का सिलेक्शन हुआ है, एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में अपडेट्स के साथ में। एंड एक और छोटी सी न्यूज ये है कि बहुत ही जल्द न्यू ईयर के बहुत हैवी डिस्काउंट्स हम लॉन्च करने वाले हैं हमारे स्टेनो स्कूल ऐप पर। जो भी बच्चे बेसिक शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए प्ले स्टोर पे स्टेनो स्कूल का ऐप है, और जो बच्चे अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एग्जाम सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। सो सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और ये सभी पीडीएफ जो भी मैंने दिए हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, विल सी अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।